नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल हलवा। ये हमने एक पाइनएप्पल काटा है जिसमें हमने 2 कटोरी पाइनएप्पल निकाल लिया। ये हमने 1 कटोरी सूजी ली है। गैस ऑन करके हम कढ़ाई हम रख लेते हैं। हम इसमें 4 चम्मच घी डाल लेते हैं। तब तक हमारा घी गर्म हो रहा है, तब तक हम 1 कटोरी पाइनएप्पल को पीस के पेस्ट बना लेते हैं उसका। ये देखिए, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें सूजी डाल देते हैं और इसको चलाते हुए गूंद लेंगे। गैस मैंने तेज ही रखी है। अब हम इसको गूंद लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमारी सूजी में कलर आने लगा है और ये अभी क्यू भी छोड़ने लगी है, तो ये फूल चुकी है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। अभी हमारी सूजी भून के तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में से सूजी को हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया है उसको डाल लेते हैं। ये देखिए, पेस्ट को डाल लिया कढ़ाई में। कटोरी चीनी ले ली हमने। अब हम इसको चला देते हैं। गैस को मीडियम रखा है हमने और हम हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें पाइनएप्पल के पीसेस डाल लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसको पकने देते हैं चलाते हुए। देखिए, अभी पाइनएप्पल हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। साथ ही में दाल अभी हम इसमें डाल देते हैं। 2 गिलास पानी हमने भून के रखी है। हमने सूजी डाल दी है। अब हम इसमें इसको पकने देते हैं। मीडियम गैस पे ढक के छोड़ देते हैं थोड़ी देर। अभी हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। हमारी सूजी भून के तैयार है। पाइनएप्पल में सूजी हमारी अच्छे से मिल चुकी है। ये मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट काट के रखे हैं, ये मैं इसमें डाल देती हूँ अभी थोड़े से, और थोड़े से बचा के रखें, गर्म मशीन के काम आएगा। हमारा हलवा बन गया है। अभी इसमें मैं थोड़ा घी और डाल देती हूँ 1 चम्मच। तैयार है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। गैस बंद कर देती हूँ। हलवे को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ इसके ऊपर। ये देखिए, हमारा पाइनएप्पल हलवा बन के तैयार हो गया है। अब आप भी इसको बना के ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताइए कैसा बना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।